सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। पब्लिक की तरफ फोटो खींचो। सुनो सुनो, हमारे कोयलाली गली के अंदर हमको बिना बताए ऐसी जगह भेजा जा रहा था माहुल गांव, इसका हमने विरोध किया और अभी हमको वापस बुलाया गया। रात में 11:30 बजे नोटिस लगी, जब पूरे लोग तरावी पढ़ के सो जाते हैं तब रात में 11:30 बजे नोटिस लगी कि आप सुबह 11 बजे हमारे पास आ जाइए। और सुबह बहुत से लोग हमारी गली के जो हम इबादत करते हैं, सुबह में सहरी में उठते हैं, रात में तरावी पढ़ते हैं, तो बहुत से लोग सोते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन बीएमसी ऑफिशियल ने सीधा सीधा हमको एक ही जवाब दे दिया कि भाई हमको नहीं पता, आप आओ या ना आओ हम आपको ले लेंगे। और जो आपके फेल घर है, अगर हमारे टोटल 200 घर है उसमें से इन्होंने सिर्फ 60 घरों को पास किया है और जितने बाकी 140 घर है वो पूरे फेल है। फेल का मतलब ये है कि भाई इनको घर के बदले घर भी नहीं मिलेगा, और वो फेल इसलिए है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने करंट बिल नहीं लगाया है और किसी का कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा डिस्पैच नहीं हुआ है जिसके वजह से इन्होंने इसको फेल किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आज जब मैं वार्ड ऑफिसर और बड़े बड़े अधिकारियों के सामने गया और उनके सामने एकदम रो के गिर गया पैरों पर कि भाई हमारा रमजान चल रहा है, हमारे लोग अलग तैयारियों में चल रहे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन आप बस ये 4 दिन, हमारी ईद आने वाली है, हमारा रमजान चल रहा है, ये 4 दिन के बाद हमारे लिए आप प्रोसेस स्टार्ट करिए, ये 4 दिन के बाद। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा मेरे को यह बोला, हमको उस चीज़ों से कुछ भी मतलब नहीं है, हम आपको तोड़ेंगे, 1 तारीख को हम आपका डिमोलिशन करेंगे, चाहे आप हटो या ना हटो। मैंने फिर भी ये रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे लोग एहतिकाफ में, हमारी गली के अंदर मस्जिद है, एहतिकाफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी मस्जिद के अंदर ही रहता है 10 दिन, तो हमारी गली के अंदर बहुत से लोग एहतिकाफ में बैठे हुए, कम से कम उस एहतिकाफ वालों के लिए हमारे लोग सोचे कि एहतिकाफ चल रहा है तो भी ये मस्जिद टूटेगी, ये घर टूटेंगे, लोग टूटेंगे, हमारा एहतिकाफ भी टूट जाएगा उस वजह से। तो मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई हमारे लोगों के साथ, हम बहराम वालों के साथ, हम कोयलाली गली वालों के साथ, हम रंगून वालों के साथ में गलत हो रहा है, तो हम सिर्फ आप लोगों से इतना ही चाह रहे हैं कि आप सब बहराम वाले, नौपाड़े वाले, जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, बम्बई वाले, यही चीज को देखे कि भाई हमको रमजान की ईद मनाने दिया जाए। जब हम लोग अपने घरों को सजाने का टाइम है, जब हमारे घर को सजाने का वक्त है, जब ये बीएमसी हमारे घर को तोड़ने के लिए आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के वास्ते हमारी उम्मत का हमारा साथ दीजिए और हमारे लिए आइए आगे बढ़कर, हम बहुत परेशान है, हमारे लोगों के पास घर नहीं रहने वाला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग के लिए आगे आइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत से हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे, उनको घर नहीं मिलने वाला है, इसी वजह से कि उन्होंने चीटिंग के साथ अपात्र किया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक ऐसा लायक हूँ कि मैं अपना घर बना लूंगा, लेकिन जो लोग बना चुके हैं वो नहीं बना सकते वापस बांद्रा में घर अपना, उन लोगों के लिए हमारी उम्मत के लोग सामने आए, हमारी मस्जिद के एहतिकाफ के वालों के लिए सामने आए, हम लोगों के लिए सामने आए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का वायरल करें, हमारे रमजान में टूटने से बचाए। अस्सलाम वालेकुम।